आजीकर अस्पताल में छात्रा के साथ हुई हैवानियत के विरोध में जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन व हंगामा जारी, एक गिरफ्तार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट रूप कंपाने वाला। पश्चिम बंगाल के आरजीकर अस्पताल में जूनियर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। उन्होंने अस्पताल परिसर में जुलूस निकाला। हर कोई युवा डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के लिए न्याय चाहता है। आंदोलनकारियों की मांग है कि इस घटना के दोषियों को तुरंत सजा दी जाए, अन्यथा वे काम नहीं करेंगे। आरजीकर अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि वह अस्पताल में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आरजीकर अस्पताल ही नहीं, पश्चिम बंगाल के कई अस्पतालों में हंगामा व प्रदर्शन जारी है। इस बीच इस घटना में पूछताछ के बाद एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक उसका नाम संजय रॉय है, सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता था। कल रात पुलिस अधिकारियों ने उससे पूछताछ की। पूछताछ में असंगतता के कारण उन्हें रात में हिरासत में लिया गया। रात में उसे लाल बाजार ले जाया गया और सुबह होते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इधर आज अस्पताल का बाहरी दरवाजा बंद है, सिर्फ आपातकालीन विभाग में इलाज चल रहा है। पीजीडी के डॉक्टर अस्पताल के आपातकालीन विभाग के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार को छात्रा का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शुक्रवार की सुबह करीब 11:30 बजे कॉलेज के सेमिनार हॉल में पीजी सेकेंड ईयर की छात्रा का शव अर्धनग्न अवस्था में मिला। छात्रा के शरीर पर चोट के निशान थे। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पीड़िता के साथ सेक्सुअल अब्यूज के बाद हत्या किए जाने का संकेत मिला है। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करते हुए विशेष जांच दल गठित कर मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अधिकारी ने मामले पर जानकारी दी है। पुलिस पीटीआई के हवाले से बताया, यह निश्चित रूप से आत्महत्या का मामला नहीं है, महिला की यौन उत्पीड़न के बाद हत्या की गई थी। चार पन्नों की रिपोर्ट के अनुसार महिला के गुप्तांग से खून बह रहा था और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट के निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया है, उसकी दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था, चेहरे और नाखून पर चोट के निशान थे। पीड़िता के गुप्तांग से भी खून बह रहा था। उसके पेट, बाएं पैर, दाएं हाथ, अनामिका और होंठों पर भी चोट के निशान थे। वही कोलकाता पुलिस ने के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि अपराध तड़के 3 से 6 बजे के बीच हुआ। पीड़िता के एक साथी स्टूडेंट ने नाम नहीं उजागर करने की शर्त पर बताया, उसने पीड़िता रात के करीब 2 बजे अपने जूनियर्स के साथ डिनर किया था। इसके बाद वह सेमिनार रूम में चली गई। चूंकि ड्यूटी पर वहां रेस्ट करने के लिए कोई अलग से कमरा नहीं है, पीड़िता की मां ने कहा है कि जब उसने अपनी बेटी को देखा तो उसकी अर्धनग्न पड़ी थी। उसके शरीर पर चोट के निशान थे, उसका चश्मा टूटा हुआ था। उधर साथी छात्रा की मौत की विरोध में डॉक्टरों ने इस अस्पताल में काम बंद करने की मांग की है और शुक्रवार को छात्रों ने कैंडल लाइट मार्च भी निकाला। छात्रों की मांग है। वहीं राज्य की विपक्षी पार्टी भाजपा ने इस घटना के बाद अस्पताल में जमकर विरोध किया और सीबीआई जांच की मांग की है। राज्य सरकार ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है, राजनीति नहीं होनी चाहिए। राज्य महिला आयोग ने इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। वहीं आरजीकर अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। Thank you.